इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर ये बात बताते हैं कि मैं जो हूँ मैं गरीबी की जिंदगी गुजार रहा हूँ। वैसे उनके लाइफ स्टाइल से लगता भी ऐसा ही है क्योंकि उनके पास कोई ऐसी गाड़ी भी नहीं है, ना ही कोई उनके पास बंगला वगैरह है, ना ही उनके पास, वैसे भी वो मतलब रिटायर्ड है गवर्नमेंट जॉब से, तो इस वजह से उनकी पेंशन वगैरह भी आती है, तो उनको थोड़ा बहुत देख के लगता है। वो अपनी वीडियोस के अंदर ये चीज बताते हैं, तुसी लैंदे हो चंदे अपनी वीडियोस दे अगेंस्ट नंगी औरतां दे वीडियो इश्तिहार चलांदे हो, मैं ते कुछ भी नहीं ले रहा। तो वो कहते हैं कि मैंने यूट्यूब पे अपनी मोनेटाइजेशन ऑफ की हुई है। वो इस वजह से ऑफ की हुई है क्योंकि जब भी कोई वीडियो लगाता है, वीडियो खोलता है, तो मैं नहीं ये चाहता कि कोई मेरा व्यूअर्स मुझे सुनने आए, दिनी बात सुनने आए और वो इस तरह की गैर महरम औरत को देखे। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने YouTube चैनल से 10 मिलियन एक मंथ का कमा सकता हूँ, लेकिन मैं इस तरह नहीं कमाता। मैंने अपनी मोनेटाइजेशन इसलिए ऑफ की हुई है ताकि मेरे व्यूवर्स जो मुझे सुनने आते हैं वो बेपर्दा खवातीन जो एड्स में आती हैं उनको ना देखें, वो सिर्फ मेरी बात को सुने। हमारे तो ऑफिशियल चैनल की कमाई जो है 4 से 5 मिलियन है महीने की, अगर हम ये आरामखोरी शुरू कर दें। आपकी पूरी जिंदगी की कमाई एक तरफ है, हमारे एक चैनल की कमाई एक तरफ है, 40-50 लाख रुपए महीने का, तो हमें आप किसी की दोस्त लगाते हैं, तो हम तो बिल्कुल नंगा करके आपकी चीजें बताएंगे लोगों को कि हम इसके बेनिफिशियरी नहीं सिस्टम के, क्योंकि सिस्टम के बेनिफिशियरी नहीं है, लिहाजा हमें किसी की दोस्त नहीं है। अब उन्होंने ये बात करके मुफ्ती तारक मसूद साहब को और मुख्तलिफ उलमा इकराम जिनके यूट्यूब में चैनल वगैरह बने हुए हैं उनको उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। अब मुफ्ती तारक मसूद साहब ने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि आप भी मोनेटाइजेशन ऑन कर लें, आप भी गाड़ी ले लें, आपको किसने कहा है कि आप बाइक पे घूमें, आपको किसने कहा है कि आप अच्छी जिंदगी ना गुजारें, आप भी अच्छी जिंदगी गुजारें। यूट्यूब का जो मेरा चैनल है ना, इस पे आजकल वो जो मशहूर जमाना फितना है वो भी इस बात को बड़ा कैश कराते हैं कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, देखो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, देखो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। वो फिरौन बार बार कहता था मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि अम अना खैरुम मिन हाज़ल्लज़ी हुवा महीन, फिरौन में भी फिरौनियत थी ना, तो फिरौन में भी बार बार मैं, तो आज बाज़ स्कॉलर्स का ऐसे ही है मैं, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं। वो भाई तू कर ले, किसने मना किया है, किसने मना किया है, मैं कमाता नहीं हूँ तो कमा ले, तेरे को किसने मना किया। बाज़ लोग जाते हैं वो उसकी फटपटी मोटरसाइकिल दिखा रहे होते हैं, देखो इतना बड़ा आदमी फटपटी मोटरसाइकिल पे घूम रहा है, तो खरीद ले यार गाड़ी, तुझे अल्लाह ने अगर पैसा दिया तो गाड़ी खरीद ले, नहीं दिया तो कोई ऐसी बात नहीं, फटपटी पे घूम तो रक्षा पे घूम। ये चीज़ें क्राइटेरिया नहीं है हक का, तो चैनल का मोनेटाइज होना ना होना इसका इससे ताल्लुक नहीं है कि आप हक परस्त, आपकी दलील मजबूत होगी तो आप हक परस्त हैं चाहे आपका चैनल मोनेटाइज है चाहे। अब फैसला आप लोगों ने करना है कि सही कौन है और गलत कौन है।